नमस्कार, झलको शेखावटी में आपका हार्दिक स्वागत है। देखते रहिए हर खबर हर पल आपके साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, झलको शेखावटी में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अमन शर्मा। सीकर पूर्व विधानसभा प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर डूडी के 57वें जन्मदिवस पर सीकर जिला मुख्यालय स्थित धोद बाईपास पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान प्रवक्ता राकेश कालेर के नेतृत्व में पर्यावरण संतुलन और मानसून में पेड़ पौधों के महत्व को समझते हुए पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पौधारोपण के कार्यक्रम में धोद बाईपास पर 57वें जन्मदिवस के तहत हरियाली के 57 पौधे कांग्रेस कार्यकर्ता एवं डूडी समर्थकों द्वारा लगाए गए, तथा पौधे लगाने के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं डूडी समर्थकों ने उनके रखरखाव का भी संकल्प लिया। कांग्रेस के निवर्तमान प्रवक्ता राकेश कालेर ने बताया कि प्रदेश भर के कांग्रेस के लोकप्रिय नेता रामेश्वर डूडी का जन्मदिन विभिन्न आयोजनों के तहत मनाया जा रहा है। कई जगह रक्तदान तो कई जगह पौधारोपण सहित कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया जा रहा है। पौधारोपण के दौरान जिला किसान कांग्रेस के नेता धर्मेंद्र गठाला, दुर्गा प्रसाद, सुंडा सावरमल चौधरी, पैरालाल खीचड़, झाबरमल कॉलेर, रणवीर खीचड़, ऋतिक चौधरी, मुकेश कॉलेर, मनेश खीचड़, भगवान सिंह शेखावत, सुरेंद्र मीणा, आनंद सिंह कछुआ सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता एवं डूडी समर्थक मौजूद रहे। धन्यवाद। आज हमारे लोकप्रिय नेता विधानसभा के पूर्व प्रतिपक्ष रामेश्वर जी डूडी साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है और हमने यहाँ पे उनके 57वें जन्मदिन पर 57 पौधे बाईपास पर लगाने का निर्णय किया है और उनके समर्थक और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी जोर शोर से पौधे लगा रहे हैं और कई जगह ब्लड डोनेशन का हो रहा है, कई जगह कोरोना योद्धाओं का सम्मान भी किया जा रहा है। ये हमारे लोकप्रिय नेता की छवि के तहत हम ये सब काम कर रहे हैं। राकेश कालेर।